जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, यूपी बीएड 2023 के एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म आ चुके हैं। जी हां साथियों, यदि आपको यूपी से बीएड करना है तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। तो उसके जो आपके एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म है वो आ चुके हैं और उसकी जो लास्ट डेट है बहुत जल्द है। तो पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इस बार जो सेशन है वो बहुत जल्द स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और आपको अप्लाई करने के क्या क्या बेनिफिट है, पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, तो वीडियो में तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के जो फॉर्म है वो आ चुके हैं और उसकी जो लास्ट डेट है वो 10 मार्च है। साथियों, 10 मार्च याद रखिएगा, वो लेट फीस के साथ में है। यदि आपको विदाउट लेट फीस फॉर्म भरना है तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 3 मार्च है। 3 मार्च तक आप विदाउट लेट फीस फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि यदि आपको बीएड करना है तो वो आप 3 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। और 3 मार्च तक यदि किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं तो उसके बाद में आपको 10 मार्च तक लेट फीस के साथ में छूट दी जाती है। तो 10 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में आपका जो एग्जाम है वो आपका अप्रैल में होगा। 24 अप्रैल को डेट टेंटेटिव डेट दी हुई है, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम दिया जाएगा। अब साथियों, आगे बढ़ने से पहले कि बीएड करने के क्या फायदे हैं, बीएड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसको अब तक लगभग 6 लाख लोग देख चुके हैं। तो लिंक आई बटन में दिया हुआ है, तो आप भी जाकर देख सकते हैं कि आप टीचर बनने के अलावा आपको बीएड करने के और क्या क्या फायदे हैं। इससे आगे बात करें साथियों कि बीएड के लिए कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो साथियों, यदि आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यदि आप इस बार ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो भी आप बीएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है तो भी आप अपना बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका जो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं थे और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स हैं तो भी आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ कि इसमें पेपर कितने होंगे, तो साथियों आपके 2 पेपर होते हैं, इसके लिए भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो साथियों, आप जितने जल्द से जल्द हो सके अपना बीएड का फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि जो लास्ट डेट है वो हो सकता है इससे आगे ना बढ़े, यानी कि यहीं तक 10 मार्च तक ही आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है। तो बीएड यदि आपको करना है यूपी से तो आप अपना एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म जरूर भर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल नहीं करते हैं तो फिर आपके जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के बीएड के कॉलेज हैं तो उसमें फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है। और यदि आप एंट्रेंस एग्जाम के बिना आप एडमिशन लेते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या फिर आपका जो माइनॉरिटी के कॉलेज है में, तो उसके काफी सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है और भी काफी सारे इस टाइप के नुकसान होते हैं जो आप यदि बीएड का एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल नहीं करते हैं। तो आप यदि आपको यूपी से बीएड करना है तो एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म जरूर फिल कर लीजिएगा। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उत्तर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।